उन्हीं की जुबानी। देश में 2600 करोड़ के कथित पीएफ घोटाले को लेकर के आज उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के लगभग 45,000 रिटायर्ड और सेवारत कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। बिजली विभाग की व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं। सर, आपने ये पहले ही कहा था कि पीएफ का पैसा डूबा नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को आप संतुष्ट नहीं कर पाए और आज वो सड़कों पर हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए, सरकार के परिवार के सदस्य हैं हमारे कार्मिक और हमारे अधिकारी, उसी तरह से सरकार का परिवार का हिस्सा है हमारा उपभोक्ता। उपभोक्ता का अहित ना हो ये सब लोग सुनिश्चित करें, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन सरकार पहले दिन से ही, जब से सरकार के पास शिकायत आई तब से लेकर आज तक सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। चेयरमैन जो ट्रस्ट का होता है, जो ट्रस्टी होते हैं, वो सब तय करते हैं कि उनका निवेश कहां हो, और सरकार के संज्ञान में आती सरकार कार्रवाई कर रही है। तो पहले दिन से सरकार कार्रवाई कर रही है, और यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने आज मुझे बताया कि जब से स्टे लगा है अकाउंट पर दीवान हाउसिंग के, तब से लेकर आज तक लगभग 15 करोड़ से ज्यादा कार्मिकों को पैसा दिया जा चुका है, जिनकी जो आवश्यकता है, किसी की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी के परिवार में कोई और दिक्कत है, तो ऐसे लोगों को पैसा भी दिया जा चुका है। तो जब पूरी तरह से कॉरपोरेशन के लोग अपने कार्मिकों के साथ हैं, सरकार ऊपर से मॉनिटर कर रही है, सरकार भी इस बात का ध्यान रख रही है कि कहीं कोई अहित ना हो किसी का, तो उसके बाद अगर कोई राजनीति से प्रेरित होकर हड़ताल करता है तो इसको राजनीति कहेंगे और क्या कहेंगे। कैमरामैन अर्शद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। इधर बिजली विभाग में